दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के निधन को अब लगभग 3 महीने होने वाले हैं और इनके सुसाइड की गुत्थी भी धीरे धीरे सुलझ रही है। अब सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई के हवाले हो चुका है, जिसके बाद से इस केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने सुशांत को ड्रग्स देने और बॉलीवुड में ड्रग्स बांटने के मामले में आड़े हाथों लिया है और 22 सितम्बर तक उन्हें सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा, जिसके बाद एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की है। रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ के दौरान 25 लोगों का नाम शामिल किया है, जिसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई बड़े घरानों के नाम शामिल हैं और इनमें से एक नाम शामिल है सलमान खान की फैमिली का, जिसके बाद सीबीआई ने उन्हें नोटिस दिया है और सलमान खान की फैमिली ने अब इस केस को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। तो आखिरकार खान फैमिली ऐसा क्या करने वाली है, आज के इस वीडियो में हम आपको इस बात की जानकारी देंगे। अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। 11 सितंबर की रात जब एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स बेचने को लेकर बात कही तो इस मामले में रिया ने 25 लोगों का नाम लिया। इनमें कई बड़े नाम शामिल हैं, जिनमें बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह का नाम भी शामिल है। इसी बीच रिया चक्रवर्ती ने सलमान खान की फैमिली का नाम लिया, जिसके बाद एनसीबी ने सीबीआई के साथ इस मामले में बातचीत की और बातचीत के बाद सीबीआई ने सलमान खान के घर पूछताछ के लिए नोटिस भिजवा दिया है। इसके बाद सीबीआई कभी भी सलमान खान के घर जाकर उनके परिवार वालों से पूछताछ कर सकती है और अपने परिवार वालों को इन सभी मामलों से दूर रखने के लिए सलमान खान ने एक अहम फैसला लिया है। पूछताछ और सीबीआई के झंझट से बचने के लिए सलमान खान ने परिवार वालों को विदेश भेजने का फैसला किया है, जिसके बाद सलमान खान के पूरे परिवार को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया। खबरों की माने तो सलमान खान अपने परिवार वालों को विदेश भेजने में लगे हुए हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। इसे देखकर ये तो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सलमान अपने परिवार वालों को पूछताछ से बचाने के लिए विदेश भेजने की फिराक में हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में चल रहे ड्रग्स के काले धंधे में सलमान खान का भी हाथ है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।